रीति रिवाज, परंपरा और शादी। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है, आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म श्रीनिवास कल्याणम। ये 2018 की तेलुगु रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय वेगेशना सतीश। वैसे तो मैंने शादी पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में देखी हैं, चाहे बॉलीवुड की हो, साउथ की हो या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज की फिल्म हो, लेकिन वहाँ पर शादी को इतना ज़्यादा कुछ खास बढ़िया ढंग से हमको दिखाया नहीं जाता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी फिल्म रही होगी जिसमें हमको इतना बढ़िया तरीके से शादी जैसे टॉपिक को इतना अच्छी तरीके से दिखाया गया हो। लेकिन ये मुझे एक अलग तरह की फिल्म लगी जहाँ पर शादी जैसे टॉपिक पर ही ये फिल्म आधारित है, पूरी तरीके से इसी के इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती रहती है और इसको इतना बढ़िया अच्छी तरीके से दिखाया गया हो। ये मुझे लगता है कि यही एक लौटी फिल्म है जहां पर शादी जैसे टॉपिक को इतना बढ़िया इतना अच्छे तरीके से दिखाया गया हो। और यहाँ पर एक बात मुझे बहुत ज़्यादा खास और पसंद भी आई कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हमको बेकार में दिखाई नहीं गई है। हर एक चीज़ का, हर एक जो भी हमको सीन्स देखने को मिलते हैं इस फिल्म में, एक एक बात का, एक एक चीज़ का एक मतलब हमको यहाँ पर समझाने की कोशिश भी की गई है। यहाँ पर आपको इस फिल्म में बीच बीच में जो लीड कैरेक्टर है उसके द्वारा काफ़ी सारे जो दमदार बेहतरीन डायलॉग्स सुनने को मिल जाएंगे जो कि बेकार में कहे नहीं गए हैं। हर एक डायलॉग्स का अपना एक मतलब है, उसका एक मीनिंग है जिसको सुनकर आपको भी अंदर से लगेगा कि भाई हाँ, इसने जो बात कही है वो सही ही कही है और एक तरीके से आप उन सारी बातों से एग्री भी करोगे। तो यहाँ पर इस फिल्म में शादी जैसे टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें दिखाया गया है और एक तरीके से इस फिल्म ने मेरा नज़रिया तो बदल ही दिया है शादी को लेकर। जो कि हम लोग सोचते हैं कि भाई शादी तो सिर्फ एक इवेंट है, लेकिन शादी उससे भी बढ़कर कोई होती है। तो यहाँ पर हमको ये इस फिल्म में देखने को मिलता है। और जैसे हमारी जो आज की जनरेशन है वो रीति रिवाज, परंपरा इन सब से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में इसी रीति रिवाज, इसी परंपरा को इतना बढ़िया तरीके से, इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है जहाँ पर हमें एक एक जो भी परंपरा है, जो रीति रिवाज है, हम उसका पालन क्यों करते हैं, क्यों निभाते हैं, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस फिल्म में हमको समझाया और दिखाया गया, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो आजकल की हमारी जो यूथ है वो एक तरीके से रीति रिवाज, परंपरा इन सबसे भागने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यहाँ पर गलती इनकी भी नहीं है, गलती हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े हैं उनकी है, जो इन सारे रीति रिवाज, ये जो सारी परंपराएं हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या वैल्यू है, वो उनको बताते ही नहीं है, तो वो इनकी कदर क्यों करेंगे। तो यहाँ पर इस फिल्म में इसी को बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जो रीति रिवाज, जो परंपराएं हमको यहाँ पर दिखाई गई हैं, उसका क्या मतलब होता है, क्यों हम इन सारे रीति रिवाज परंपराओं का पालन करते हैं, हमें इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया और समझाया भी गया है। और यहाँ पर इस फिल्म के जो आखिरी 30 मिनट है वो तो जबरदस्त लाजवाब है। फिल्म के आखिर में जिस तरीके से हमें शादी का जो मतलब है किस तरीके से समझाया गया, वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जैसा कि हमें इस फिल्म में जो लीड कैरेक्टर है वो मंत्र बताते हैं और उनका मतलब भी बताते हैं कि भाई उनका क्या मतलब है, वो बेकार में ही नहीं बोले जाते, हर मंत्र का एक मतलब होता है, एक तरीके से एक जिम्मेदारी होती है। और जो वर होता है वो एक तरीके से जो मंत्र बोल रहा होता है उनका कुछ मतलब होता है और वो एक तरीके से वधू को कुछ वचन देता है, एक तरीके से वादा करता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से इस फिल्म में काफी सारी बातें हमको समझाई बताई गई हैं जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और शादी जैसे टॉपिक को इतना ज्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से हमें दिखाया गया हो, हमें समझाया गया हो, ये मुझे इस फिल्म में देखने, जानने और समझने को मिला। और शादी को लेकर एक अलग ही तरीके का नजरिया मेरा बन गया इस फिल्म को देखने के बाद, जो कि मुझे लगता है कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपका भी इस फिल्म को देखने के बाद शादी को कर, जो लोग सोचते हैं कि भाई शादी तो सिर्फ इवेंट है, बस जाना है, खाना पीना है और बस वापस आ जाना है या फिर आशीर्वाद देना है और अपना काम तो यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन यहां पर इस फिल्म में हमें और भी बातें पता चलती हैं, जैसे परिवार हो गया, रिश्तेदार हो गए या फिर हमारे जो अपने हो गए, वो हमारी जिंदगी में कितने ज्यादा मायने रखते हैं। और शादी जो है एक तरीके से एक त्यौहार होता है, ना कि सिर्फ एक इवेंट होता है कि बस हो गया और काम खत्म हो गया, ये इससे भी ज्यादा कहीं बढ़कर होता है। तो हमें ये इस फिल्म में देखने, जानने, समझने को भी मिलता है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया। तो यहाँ पर इस फिल्म के जो आखिरी 30 मिनट है वो तो लाजवाब है ही। और फिल्म पूरी तरीके से, जो ये फिल्म है एक तरीके से फुल फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है जिसको आप पूरे परिवार के साथ बैठकर इस फिल्म को आप देख सकते हैं और ये फिल्म आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे लगता है कि सपरिवार आपको इस फिल्म को ज़रूर देखना ही चाहिए, क्योंकि ये जो फिल्म है ये एक ही टॉपिक पर बेस्ड फिल्म है जहाँ पर हमको उसी को बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर फालतू की बेकार चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं किया गया है और मुझे लगता है कि इसी वजह से एक मस्ट वॉच फिल्म बन जाती है, जहाँ पर ये फिल्म एक तरीके से आपका नजरिया, आपकी सोच बदल कर रख देगी और जहाँ पर लोग शादी जैसे एक बहुत ही पवित्र एक त्यौहार को सिर्फ एक
इवेंट की तरह सोचते हैं या फिर इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं, वो इसको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों जहाँ तक बात रही कि आपको ये फिल्म देखना भी चाहिए या नहीं, तो जी हाँ, ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। और अगर आपको फैमिली ड्रामा वाली फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। और एक तरीके से मैं कहूँ तो ये एक फुल फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है। और अगर आप चाहें तो सपरिवार इस फिल्म को ज़रूर आप देख सकते हैं, ये फिल्म आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद ज़रूर आएगी। तो जहाँ तक बात रही इस फिल्म को रेटिंग देने की, तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 7.5 ऑफ टॉप 10 स्टार। बाकी अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो क्या सोचते हैं आप इस फिल्म के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। और हाँ, कि ये फिल्म YouTube पर फ्री में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर किसी ऐसी मूवी के रिव्यू के साथ में। जोहार।